बड़े खुशकस्मत लोग होते हैं इन्हें कंधा मैसर।, मै, मैसर हो जाए लेकिन आ, मुझे कभी किसी का कंधा मिला नहीं आप यकीन करें जब मेरे भाई की डेथ हुई सब दुनिया मुझे छोड़कर चली गई पासपोर्ट पे मैंने सात साल उम्र ज़्यादा लिखवा ली आज लोग मुझे कमेंट करते हैं जो बैड इक्का दुखा तो पता नहीं क्या लिख देते हैं फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी फाइव ईयर्स मैं कह नहीं सत्तर साल ही लिख दूँ कई बार मतलब पीछे मैंने काम करना छोड़ दिया मैं कहूँ आई वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन मुझे अल्लाह पाक जी मेरी शादी करा दे शादी कर बेवफाई का है बे मैंने रिश्तों में जिंदगी में बेवफाई नहीं की नहीं मैं बात मेरे साथ हुई <laughs> बताएं कि वो कंधा कैसा होता है और वो उस कंधे की क्या अहमियत होती है जिस पे सर रख के कोई रो लेता है या अपनी बात कर लेता बहुत ज्यादा बड़े खुशकस्मत लोग होते हैं जिन्हें कंधा मयसर मै, हो जाए लेकिन आ, मुझे कभी किसी का कंधा मिला नहीं खासतौर पर जब मेरा भाई गया उसके बाद मेरा एक दोस्त गया फिर मेरा एक बाप बजा दोस्त गया फिर मेरा एक भाई मुंह बोला टोनी वो गया तो मैं कंधा ही ढूंढती रह गई अल्लाह ने क्या नहीं कंधा नहीं दूंगा मुझसे बात करो टॉक टू यस अल्लाह ताला भीड़ में कहाँ मिलते हैं वो नहीं मिलते mm. वो पहले आपको सारे लोगों से ना अलग थे जितने रोला उ नहीं बोला आप यकीन करें जब मेरे भाई की डेथ हुई सब दुनिया मुझे छोड़कर चली गई अफसोस की चले गए और जिनके घर में कभी मतलब किसी की डेथ हो जाती थी तो मैं उनके घर से उठती नहीं थी हर रोज़ जाती थी सब एक एक बार आए और सब चले गए फिर अल्लाह से बात की ला हल्ला वाला कत ये तस्वीर ने मुझे थामा क्योंकि इससे आपके गम जाते हैं और आपकी सेहत वापस आती बिलाल कुतुब साहब को मैंने भाई को फ़ोन किया मैं क्या बिलाल भाई मेरा भाई नहीं रहा मुझे चैन नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा बेटा आपने ये कसरत से पढ़ना है फिर वो करते करते महीने दो महीने में मैं रोज़ पढ़ती थी तो मुझे थोड़ा सुकून मिलना शुरू फिर मैं जाने पे पर रोती थी फेम क्या होता है रेशम फेम मिलता है लोग मशहूर हो जाते नाम हो जाता है लोगों का तो इसके पैकेज में क्या क्या बंदा तनहा हो जाता है इसमें बिलूमूम इसमें बड़ा कुछ होता है आपको लोन लोनलीनेस भी मिलती है दुख मिलते हैं स्यापा है ये हैं स्पा है बहुत बड़ा स्यापा है लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है इन चीज़ों से डील करने के लिए आपको लेकिन वो जो मैंने एक बार आरिफ फार साहब से बात की मैं कहा आरिफ भाई गला कब ख़राब होता है कहने लगे जो दिमाग ख़राब हो जाए मैं कह दिमाग का तो खराब हो जाए कह दो गला खराब हो जाए बोलने में फर्क आ जाए फिर तो ये जब आता है आपके मतलब तब्दीलियाँ आती हैं मतलब जैसे गर्दन में सरिया या जो भी एक वो आई थिंक आपकी नहीं मैं तो बात कर रहा लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं। मैंने लोगों में देखा है लेकिन मैं ये कर नहीं पाई आप नहीं कर पाई मेरे रब को सख्त अल्लाह को ये चीज़ इतनी नापसंद है तकबर वो सिर्फ अल्लाह के लिए आज ही पसंद है मेरे अल्लाह को बस तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी मैं दिन ड्रामा छोड़कर उमरा करने चली गई थी पासपोर्ट पे मैंने सात साल उम्र ज़्यादा लिखवा ली आज लोग मुझे कमेंट करते हैं जो बैड इक्का दुखा तो पता नहीं क्या लिख देते हैं फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी फाइव ईयर्स मैं कह नहीं सत्तर साल ही लिख दो <laughs> आपको क्या बताऊँ कि मैं वो पहली कमाई से हम एक हमारी आंटी हमसाई जा रही थी बेटा नहीं वीज़ा लगता छोटी उम्र की दी कुछ मैं क्या मैं आपसे कह रही हूँ मुझे मेरी माँ याद आती थी वो वीज़ा लग गया पासपोर्ट उन्होंने कहा तेरी उम्र काट है मैं सात आठ साल बहुत लिखाती अच्छा ठीक है उम्र पर हमजद इस्लाम अमजद साहब अल्लाह करवट करवट जनजाग कहता कर। रेशम तुम चलता हुआ ड्रामा बेटा छोड़ के जा रही हो तुम जा भी वहाँ रही हो वरना तो तुम्हें हम एक लेटर लिखेंगे तो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा आ, तो जो है वो जो है तो मैंने कहा सर मुझे जाने दें एक एपिसोड उन्होंने मिस की क्योंकि आपको पता है वो साथ ही लिखा जाता था साथ साथ रिकॉर्डिंग होती थी अल्लाह के घर गए गई कही अल्लाह जब मीनार देखे ना दुआ मांगो दुआ मांगो कबूल होती है मैं कह रबा दुआ अगर इज़्ज़त देना तो ये अल्लाह कभी तो कबूर ना देना और मुझे सारी ज़िंदगी ये रखना है मेरे मालिक मुझे ये ना कराना किसी से वो ऐसी अल्लाह ने दुआ कबूल की नूर कि आज तक मर्द की कमाई नसीब ही नहीं हुई पता नहीं इसमें क्या हमत है अल्लाह ने क्या सोचा है तो वो बस लगे हुए कई बार मतलब पीछे मैंने काम करना छोड़ दिया मैं कहूँ आई वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन मुझे अल्लाह पाकि मेरी शादी करा दें शादी करें मैं उठो फिर काम करो बीच में लोग चले गए वो एक गिर गई रेशम अल्लाह ने उठाया उसे तो हौसला दिया मर गई थी बिल्कुल ही दिमागी तौर पर खत्म हो गई थी ये तो वैसे अगर पूछूँ कि क्या चीज़ें होती हैं जो आपको जीते जी मार देती हैं तो वो क्या होती हैं चीज़ें उसमें क्या बेवफाई का है बेसवा मैंने रिश्तों में जिंदगी में बेवफाई नहीं की नहीं, नहीं में बात मेरे साथ आ, हुई अगर आप ये कहती हैं रेशम गिर गई थी और गई थी तो क्यों क्या हो गया ऐसा आपके रिश्तेदार आपके खूनी रिश्ते कुछ कुछ वो कुछ बातें मैं कहती हूँ कहीं अच्छी आ, लगती है लेकिन हर खूनी रिश्ता जो है ना आपको खुशी नहीं देता आपके लिए खैर नहीं मांगता मुश्किलें तो तब इकट्ठी होती हैं जब आप दूसरे के लिए मुश्किलें मतलब आगे खड़ी करते हैं जब आप लोगों में खैर बांटेंगे तो फिर खैर मिलेगी ना तो एक पॉइंट पे आपको ये भी पता चलता है कि आपको अल्लाह के सिवा कोई प्यार नहीं करता एक मकाम आता है ज़िंदगी में सब फानी है कोई जावेदानी है मैं हाँ बेशक ऐसा आपको लगता नहीं है आपको रब बता देता है प्यार करनी

याद ना करे आपको तो आप कर भी नहीं सकते अल्लाह कबीरा मैं कहती हूँ कि मैंने जितना भी पीछे मीडिया पे वो एक बात खोलती थी वो उससे रिलेटेड इतनी बातें खोलती थी कि वो जिसको प्यार करता है अल्लाह जब प्यार करता है ना तो आपको रिस्क देता है जब अल्लाह बहुत प्यार करता है ना तो वो आपको फाके देता है वो अजमाता ही अपने प्यारों को है लेकिन जब वो आपको उठाता है ना वो गिराने वाले मुंह पे थप्पड़ मारते रह जाते हैं चमाटे उनके चेहरे पे रब मारता है खुदा की कसम अल्लाह ये एक हर जगह ये एक है बताऊँ अगर अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली में अगर आपको नाम मिला शोहरत मिली है ना तो बाकी सिर्फ देखते रह जाएंगे कुछ कुछ लोग

वो, वो, मैं लोगों के लिए खैर मांगती हूँ खैर बाँटती हूँ और अगर कभी किसी का छोटा मोटी कुताही से दिल दुख जाए तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ फिर आ, ये अब ये कोशिश होती है कि जो कमाना है ना थर्टी परसेंट रख लो सेवेंटी परसेंट बांट दो